हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। तो मैंने शाम का दीपक भी जला दिया है और सब्जी मैंने पहले ही काट के रखी थी और आज मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर की सब्जी। तो बस यहाँ पर लग गई थी मैं सब्जी को छौंक लगाने के लिए। तो आज वीडियो मैंने बस शाम के टाइम से ही शुरू किया है, सुबह से कोई भी वीडियो नहीं बना था। मेरा मन नहीं कर रहा था, पता नहीं कैसा अजीब सा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो शाम से शुरू कर देते हैं बनाना। तो यहाँ पर सब्जी छुप चुकी है, बस मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। और सब्जी छोंकने के बाद बस मैं आटा बनाने के लिए लग गई थी। तो जब सब्जी बन जाएगी उसके बाद तुरंत ही बस रोटियां बना दूंगी। और थोड़ी देर पहले आटा लगा कर रख देते हैं तो आटा अच्छा हो जाता है, मुलायम सा। और साथ के साथ बनाते हैं तो इतनी अच्छी रोटी नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ी देर पहले मलकर इसे रख देती हूँ तो बहुत अच्छी रोटी बनती है। तो बस इसे मलकर और ढककर रख दूंगी और जब सब्जी बन जाएगी उसके बाद तुरंत ही रोटियां भी बना दूंगी। और आटा मलकर रख दिया है मैंने, तो आज हमने चीनी मंगाई थी, चीनी ख़त्म हो रही थी तो मैं इसे डब्बे में डालकर रख रही थी। और गर्मियों में पता नहीं ये क्या होता है कि चीनी का डिब्बा मैं कहीं भी उठा कर रख दूँ, चींटियाँ वहीं पहुँच जाती हैं। मैं इसे अच्छे से कपड़े से भी कवर करके रखती हूँ लेकिन फिर भी चींटियाँ घुस ही जाती हैं इसमें, पूरी गर्मी यही प्रॉब्लम होती है। और बस मैं लग गई थी अब रोटी बनाने के लिए। खाना खाने के बाद मैंने किचन का भी सारा काम निपटा दिया है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, किचन साफ़ हो गया है। उसके बाद लग गई थी मैं दूध गर्म करने के लिए। तो मैंने दूध इस डब्बे में ही रख दिया था गर्म होने के लिए। मैंने सोचा चलो क्या इसे भिगोने में डालूँ, फिर एक बर्तन और हो जाएगा, तो इसमें ही गर्म कर लिया मैंने। और बस इसे गिलास में निकाल कर रख दूंगी और इसे डब्बे को भी साफ़ कर कर रख दूंगी। तो बस बर्तनों का सारा काम हो जाएगा, बस दो ग्लास ही रहेंगे, उसके बाद इन्हें धुल के रख दूंगी बाद में। तो काम तो ख़त्म ही नहीं होता, निकलता ही रहता है, दिन हो चाहे रात, रात के 9-10 बजे तक भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता। तो बस डब्बे को भी अच्छे तरह से साफ़ कर कर रख दूंगी इसे। इसके बाद बस मुझे और कुछ काम नहीं करना है, मच्छरदानी लगानी है और फिर सोना है। और चलिए वीडियो का यहीं पर कर लेते हैं एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।